प्रोग्राम का आगाज का आगाज़ आपसे हुकूमत नया बजाय हम ये बात करें कि आ, पहले वो इमरान खान साहब मुस्ाफी हो जाए फिर चीफ जस्टिस साहब मुस्ताफी हो जाए फिर दीगर इस तरह के लोगों तक ये बात आएगी एक ही दफा पाकिस्तान के पचहत्तर फीसद लोग जो चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन हो एक ही दफ़ा अगर वो इस मुल्क से मुस्ताफी हो जाए वजीरम साहब नादरा कोके उनकी शहरीत कैंसिल कर दें जो बाकी पंद्रह बीस फीसद बंदे बच जाएंगे उनके दरमियान में रह के आप मुल्के पाकिस्तान चला लीजिएगा उन्हीं में से एक चीफ जस्टिस बना दें उन्हीं में से एक वजीर अजम बना दें उन्हीं के आपस में जलसे करा दें वही लोग सुनेंगे वही कहेंगे सुनिया हो जाए गलियाँ देव मिर्जा यार फिरे वाली बात है गुजारिश ये है, है कि ये आमरीत का आ, का आ, का तनासब है हमारी हुकूमत के अंदर ये कहना कि जो शख्स भी हमारे खिलाफ बात कर रहा है उसको माइनस कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए अगर सियासी फरीक है तो इस तरह कि उसको कंटेनर के ऊपर गोलियां लग जाएं या वो डिसकॉलीफाई हो जाए और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है जिसको आप गोलियां या उस तरह नहीं कर सकते Osionfish. तो उसको मुस्ताफी हो जाना चाहिए उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर देना चाहिए देखिए हम कितनी अच्छी बात है कि हमारी जमहूरी हुकूमत जितने लोग डिसेंट करना चाहते हैं उनके पॉइंट पौ, ऑफ व्यू से जितने लोग कहते हैं कि आप कानून में आइन में दुरुस्त नहीं कह रहे उन सब को ये नहीं कि उनकी बात सुन के इग्नोर करना चाहती है या उनकी बात सुन के उससे आर्ग्यू करना चाहती है या उनकी बात सुन के हुकूमत कोई रीज़न देना चाहती है नहीं 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 कहना चाहती है कि इनको ख़त्म कर दें इनको हमारी हद निगाह से कहीं दूर ले जाए ये यहाँ मौजूद ना हो इस मुल्क में सिर्फ वो लोग हों जिनके दिलों का वजीर आजम लंदन में रहता है जी मैं हुकूमत की इन काविशों पे मैं हुकूमत की इन ख्वाहिशों पे जो रायन में बैठी एक खातून और लंदन में बैठे एक बुजुर्ग की आ, बेसिकली ख्वाहिशें हैं मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे कि ये बात दुरुस्त हो और पाकिस्तान के अंदर अस्सी नब्बे फ़ीसद लोगों का गला घूट दिया जाए जबान बंद कर दी जाए उनको रियासत के अहदेदारानों में से निकाल दिया जाए ऐसे ब्यूरोट्स को फायर कर दें मुस्ताफ़ी हो जाए ऐसे फौजी अपने आ, आ, अपने ओथ को डिफेंस को पाकिस्तान ख़त्म कर दें घर चले जाएं ऐसे चीफ जस्टिस साहब घर चले जाएं और अभी थोड़ी देर में आप आ, हसन रजा साहब से भी बात करेंगी मैंने भी कुछ गुस्ताखियां कर चुका हूं अदील होपफुली नहीं करे करेंगे, करेंगे ऐसी गुस्ताखियां मुझे और हसन रजा को भी मेहरबानी करके इस प्रोग्राम में से निकाल दें ताकि सिर्फ <laughs> एक मौकफ रहे और वही चले वही आगे बात चले मैं तो इस प्रोग्राम का ही आप लोगों से तो आप कैसे जो है आप लोगों से का मुतालबा हम कर सकते हैं और मैं सिर्फ एक गुजारिश करूं सिर्फ जी जी एक आखिरी गुजारिश करूं कि अगर इस मुल्क में वकला की तहरीक चली जी। तो वो चीफ जस्टिस के हक में चलेगी वो नवाज शरीफ के हक में नहीं चलेगी ठीक हो